सीएम तीरथ सिंह रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। सीएम ने मन की बात कार्यक्रम के 75 अंक पूरे होने पर कहा कि इससे देश को आगे बढ़ने का हौसला और मार्गदर्शक मिला है। तो पीएम ने कोरोना काल में भी बेहतर प्रबंधन से देश में स्थितियां नियंत्रित की। मन की बात सुनने के बाद सीएम ने कहा कि विकास की बात हो या फिर स्वच्छता या विरासत को संजोने की, हर दिशा में उनके प्रेरणादायी संदेशों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन से देश में स्थितियां नियंत्रित हुई हैं, ऐसा सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से कोरोना काल में भी लोगों को प्रेरणा मिली और इस कार्यक्रम से जिस तरीके की प्रेरणादायी बातें निकलकर सामने आती हैं वो लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। साथ ही साथ बेहतर प्रबंधन के लिए भी ये कार्यक्रम बेहद सरल और बेहद ही अच्छा है। वहीं स्लट विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार महेश जीना ने भी कमर कस ली है और अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इस दौरान महेश जीना क्षेत्र के कई इलाकों में प्रचार करने गए, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही लोगों ने जीना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे भी लगाए। उम्मीदवार के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता हुआ यहां पर नजर आया। जीना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाते हुए यहां पर लोग नजर आए। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में महेश जीना का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की और लोग भी उनके समर्थन में उतरते हुए नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा, लोगों ने जीना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं नारे लगाए और उन्हें प्रोत्साहित किया। तो सल्ट विधानसभा को लेकर लोगों से मिलने महेश जीना पहुंचे थे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ महेश जीना का स्वागत किया गया और उनके पक्ष में नारे भी यहां पर लगाए गए। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव में महेश जीना का जलवा यहां पर देखने को मिला है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के हर जिले में बाल मित्र थाना खोला जाना चाहिए। इसी क्रम में टिहरी एसएसपी तृप्ति भट्ट ने नरेंद्र नगर थाने के अंतर्गत बाल मित्र थाने का रिबन काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें जिले भर के बाल अपराधियों को इसी बाल मित्र थाने में रखा जाएगा, जहां उनके साथ घर जैसा व्यवहार किया जाएगा। साथ ही पूरी कोशिश की जाएगी कि वो अपराध की दुनिया से बचते हुए निकले। बाल मित्र थाने में इन बाल अपराधियों को रखा जाएगा। टिहरी में एसएसपी तृप्ति भट्ट ने बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया। तो इस थाने में आपको बता दें कि बाल अपराधियों को रखा जाएगा और उनके साथ घर जैसा व्यवहार कर उन्हें सही शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अपराध से दूर रहें। निदेशक महोदय के निर्देशन में हम सभी की ये पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे थाने हों वो महिला फ्रेंडली विक्टिम फ्रेंडली, और इसी क्रम में हमने थाना नरेंद्र नगर में महिला हेल्पलाइन की भी स्थापना पूर्व में करी थी। इसी क्रम में आज यहाँ पे बाल मित्र पुलिस थाना जो हमारे पूरे राज्य के सभी जिलों में बनाया जाना प्रस्तावित है उसका उद्घाटन आज किया गया, जिसमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अधिक फ्रेंडली साबित होंगे आने वाले समय में। वही दुनिया भर में भले ही कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन हरिद्वार क्षेत्र में आस्था कोरोना पर भी भारी पड़ रही है। बुराई के खात्मे के संकल्प के रूप में मनाए जाने वाले इस त्यौहार पर महिलाओं ने होलिका को उपलों और लकड़ियों से बनाया और पारंपरिक ढंग से पूजा अर्चना की गई। यही नहीं, इस बार महिलाएं तमाम बुराइयों के साथ साथ देश से कोरोना वायरस के भय और आतंकवाद को खत्म करने की भी कामना कर रही हैं। वहीं इसको लेकर जनतंत्र टीवी की सहयोगी जसवीर सिंह ने होलिका स्थल पर पहुंचकर महिलाओं से खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो इस पर्व को किस तरीके से मना रही हैं और साथ ही साथ उनका उद्देश्य क्या है। रंगों का त्यौहार
त्यौहार माना जाता है, लेकिन परिवार की सुख समृद्धि का और बुराई को खत्म करने का त्यौहार भी होली को कहा जाता है। हम मौजूद हैं लक्सर के एक ऐसे स्थान पर जहाँ होलिका सजी हुई है और महिलाएं उसकी पूजा अर्चना में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा, जिस तरह से महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और देश की कामना के लिए, यानी देश में सुख शांति कामना के लिए पूजा कर रही हैं। बात करेंगे कुछ महिलाओं से। आपका नाम क्या है मैडम? अच्छा, डॉक्टर पूनम चौधरी, आप डॉक्टर हैं, इसका मतलब पढ़ी लिखी हैं। ये जो होली का त्यौहार है, इसके पीछे क्या रीजन है, मेन क्या मानते हैं? वो किसी भी बुराइयों पे भारी बढ़ रही है, और इसका मतलब सिर्फ एक सीधा सा ये है कि हमें बुराइयों को हरा के बुराइयों पे अच्छाई की जीत करनी है। अच्छाई की जीत करनी है। इसीलिए ये देखिए, जितने भी सब लोग हैं वो इसीलिए यहाँ बने हुए हैं कि कोरोना का डर साइड में करते हैं, क्योंकि सबसे आगे बढ़ चढ़ के राधे 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 आएंगी। तो आप देख सकते हैं, नेहा जी, आपने अभी पूजा की है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होली का इसलिए मनाई जाती है कि होली का जो हिरण्यकश्यप राजा हुए उनकी बहन थी, जो अपने भतीजे को जलाकर मारा जाता, लेकिन खुद जल गई थी। तो ये इस बात को आप मानते हैं, आज भी कोरोना जैसी बीमारी को जलाने के लिए आप यहाँ आई हैं? ये हमारी भारतीय संस्कृति में है और हमें कोरोना से जीतना है, अच्छाई पे बुराई की, बुराई पे अच्छाई की जीत होनी है। आप देख सकते हैं, सबने कहा कि सबसे पहले तो कोरोना जैसे राक्षस इस होलिका में जलकर नष्ट हो जाए, ये सबकी कामना है। दूसरे, देश में शांति अमन बनी रहे, यही सबकी कामना है। जसवीर सिंह, जनता टीवी, लक्सर। वहीं होली के पावन अवसर पर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होलियारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर कुमाऊनी खड़ी होली के होलियारों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने दमाऊ बजाकर होली के होलियारों के साथ डांस किया और सभी को होली की बधाई दी। तो कैबिनेट मंत्री ने होलियारों के साथ जमकर ठुमके भी लगाए, दमाऊ बजाकर होली के होलियारों के साथ डांस करते हुए कैबिनेट मंत्री यहां पर नजर आए। तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री के घर पर इस होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें होलियारों के साथ कैबिनेट मंत्री भी रंग में रंगे हुए नजर आए, जमकर ठुमके लगाए। वहीं राजधानी में सभी ओर होली मिलन पर कुमाऊनी होली यारों की टोली मंत्रियों के निवास पर पहुंचकर होली खेल रही है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आवास पर होलियारों के संग मदन कौशिक ने भी जमकर होली खेली, और इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देने के साथ ही कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत होने पर खुशियां और रंगों के त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी जमकर होली का त्यौहार मनाया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तरकाशी जिले के बाजार होली के रंगों में घुल गए। विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों ने होली की शुरुआत की है। शहरों में गुलाल और अन्य रंगों से बाजार भी सज चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी में लोगों ने हल्दी और चंदन से होली खेली और लोगों ने दुकानों में गुजिया की खरीदारी भी की। साथ ही कई जगहों पर भजन कीर्तन और होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से युवा होलियारों की टोली ने परंपरागत ढोल दमाऊ की थाप पर नाच गाने कर लोगों को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं होली का पर्व पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। होली के पर्व पर लोगों में बड़ा ही उत्साह और उमंग है। भले ही कोविड-19 का दौर चल रहा हो, उसके बावजूद लोग होली के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। हल्द्वानी में बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी के आवास पर होली मिलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी होली के गानों पर नृत्य करते हुए नजर आए। वहीं प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट अपने आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए नजर आए और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं जोशीमठ में हिंदुओं के महापर्व होलिका दहन से पहले महिलाओं ने विधि विधान के साथ होली की पूजा अर्चना की। बता दें कि महिलाओं ने अपना पूरा श्रृंगार कर होलिका पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने होलिका पर गोबर से बनी हुई तरह तरह की आकृतियों को भी चढ़ाया, साथ ही होलिका दहन के साथ बुराइयों के नाश की कामना भी की। वह
वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम है। चमोली में भी होली के होलियारों की छोटी बड़ी टीमें गांव-गांव जाकर लोगों के घर आंगनों में होली के रस भरे गीतों को गाकर गढ़वाल की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। होली को लेकर सामाजिक सरोकार संस्था के तत्वाधान में शिव नारायण सांस्कृतिक मंच ने होली मिलन का शानदार आयोजन किया और लगातार होली के गीतों के आयोजन करते आ रहे शिव नारायण सांस्कृतिक मंच से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ SBI के पास बड़ी संख्या में एकजुट होकर होली के गीतों का शानदार आयोजन किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बुजुर्ग महिला पुरुषों ने भाव विभोर होकर होली के गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। तो चमोली में भी होली के होलियारों ने समा बांध दिया, लोगों ने गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। उत्तराखंड में होली और होलियारों की टोलियों की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चमोली की बात करें तो चमोली में भी इन होलियारों की धूम नजर आई, जहां पर होलियारों की टोली एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाई देते हुए नजर आए, साथ ही साथ एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने भी खास रंगारंग गीत संगीत का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया था, जिसमें नाचती गाती हुई एक दूसरे को बधाई देती हुई ये महिलाएं नजर आईं। बढ़ते हैं आगे। चमोली के कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग सड़क का डामरीकरण कर रहा है, जिसको लेकर कर्णप्रयाग के लोगों ने उप जिलाधिकारी से मुलाकात की और कहा कि पानी की पाइपलाइन लीकेज हो रही है, जिससे लोगों के घरों में पानी की परेशानी और सड़क में गड्ढे हो गए। लोगों का कहना है कि पहले पानी की लाइनें ठीक की जाएं। वहीं इसको लेकर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता मौके पर जाकर लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करते हुए नजर आए। उन्होंने इस मामले में लोक निर्माण विभाग से पूछा तो विभाग ने बताया कि इसको लेकर जल संस्थान विभाग को कई पत्र लिखे गए, लेकिन जल संस्थान ने पानी की लाइनें अभी तक ठीक नहीं की हैं, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने जल संस्थान को जल्द ही पानी की लाइन ठीक करने के निर्देश दिए। बिल्कुल सही है, जहाँ पर हमारा वो है, हम जल्द देने के लिए तैयार हैं। उसका घर है, वो पाइप देगा। द्वारा का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें कुछ लोगों द्वारा ये समस्या व्यक्त की गई है कि यहाँ पर कई सारी जो पाइप पानी की लाइनें हैं उससे लीकेज हो रहे हैं, तो इससे यदि डामरीकरण का कार्य पहले हो जाता है तो उससे जो डामरीकरण का जो है उससे उठने की पूरी संभावना है। तो इसमें हमने PWD और जल संस्थान के अधिकारी को बुलाया है और उनसे आपस में बातचीत करनी चलता है यहाँ पर, तो इसमें यही पहले इसमें निकल के आया कि पहले जल संस्थान जो है लीकेज वाली पाइप को जोड़ देगा, अच्छे से उसको पूरा व्यवस्था को दुरुस्त कर देगा, उसके बाद डामरीकरण का कार्य। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।